डियर स्टूडेंट, जय हिंद एवरीवन। सो स्टूडेंट, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, एंड द सेकेंड चैप्टर विच वॉज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नाउ इस सेकेंड चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर का मीनिंग, उसका डेफिनेशन और एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एंटरप्रेन्योर की विशेषताएं और फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, मतलब एंटरप्रेन्योर के कार्य, अभी तक हमने इतने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है वो है क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जो हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर होते हैं, इसमें हम उन सभी क्वालिटियों के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो सारे गुण यहां पर हम देखेंगे जिन गुणों की वजह से एक पर्सन एक ऑर्डिनरी पर्सन से अलग माना जाता है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो लोगों की नजरों में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज होती है, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा गुण होते हैं, जिन गुणों की वजह से वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका टर्नओवर लाखों करोड़ों का होता है, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है और उसके डिसीजन लेता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सफल बनाता है। ओके, तो वो कौन सी क्वालिटियां है जो एक एंटरप्रेन्योर को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने में उसकी हेल्प करते हैं, उन क्वालिटियों का डिस्कशन हम इस वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीटली देखिए कि आपको भी अगर समझो कल एक एंटरप्रेन्योर के रूप में समाज के सामने अगर आना होगा तो उस समय आपको भी इन सभी क्वालिटियां जो है वो अपने अंदर बिल्ड करनी होगी और अपने अंदर इन क्वालिटियों को आपको इंक्लूड करना होगा, जो आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज डिसिप्लिन। नाउ डिसिप्लिन का मतलब होता है शिष्टाचार। अब जैसे कि किसी भी पर्सन को अगर अपने काम में सफल होना है तो उस पर्सन को अपने काम को समय पर शुरू करके समय पर खत्म करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो एक सही समय पर काम को शुरू करके सही समय पर काम को खत्म करना, अगेन ये क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर में डिसिप्लिन की वजह से आती है। इसके साथ ही साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के काम पर कॉन्सेंट्रेट करने की भी जो कैपेसिटी है वो एक एंटरप्रेन्योर में शिष्टाचार ही लेकर आता है, मतलब डिसिप्लिन ही वो ऐसी क्वालिटी है जो एक एंटरप्रेन्योर को उसके वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करने में उसकी हेल्प करते हैं। उसके साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने काम में इतना डिसिप्लिन होता है कि उसके काम काज को करने में या उसके गोल्स को अचीव करने में किसी भी प्रकार का हिंडरेंस या किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन अगर आता है तो उस डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करता है एंटरप्रेन्योर व्हेन ही हैविंग अ क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन। ओके, नाउ एक डिसिप्लिन एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हर दिन अपने गोल्स के नजदीक पहुंचने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नए स्टेप्स लेता रहता है, जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सफल बना सके और अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव कर सके। तो एक एंटरप्रेन्योर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन नहीं होगा तो उसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति काम करने का जो डेडिकेशन होता है वो डेडिकेशन नहीं आएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वालिटी मैंने आपको समझाई विच इज अबाउट डिसिप्लिन। सेकेंड क्वालिटी जो होती है विच इज कॉल्ड एज अ कॉन्फिडेंस। नाउ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ही एक फंडामेंटल या बहुत ही बेसिक क्वालिटी है जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एंटरप्रेन्योर जो होता है उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे स्मॉल टू स्मॉल और बड़े से बड़ा डिसीजंस लेना होता है। उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लाखों करोड़ रुपए जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करने होते हैं। तो इन सभी कामों को करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर में आत्मविश्वास का होना, अपने आप पर भरोसा होना, यह बहुत जरूरी है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कभी भी किसी दूसरे पर्सन से ये नहीं पूछता कि क्या मैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और सफल बनूंगा, कि क्या मैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सफल करने की काबिलियत रखता हूं। तो ये बात हमें दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बात हमारे अंदर हमें खुद को इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपने बिजनेस को सफल कर पाऊंगा या नहीं। किसी और को पूछ करके ऐसे कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होते हैं,
हमें खुद को उतना नॉलेज अपने बिजनेस के प्रति होना चाहिए कि जिसके बेसिस पे हम खुद पर भरोसा कर सके कि क्या हम सच में अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सफल बना सकते हैं, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस एक एंटरप्रेनर को अपने अंदर निर्माण करना होता है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर में कॉन्फिडेंस वाला जो क्वालिटी है वो होता ही होता है। ओके, थर्ड क्वालिटी होती है जिसको कहते हैं ओपन माइंडेड। तो एक एंटरप्रेनर जो होता है वो खुले विचारों का होना चाहिए। ना खुले विचार की क्वालिटी एक एंटरप्रेनर को सक्सेस करने में कैसे हेल्प करेंगे? क्योंकि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्रेनर ओपन माइंडेड होगा तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के आसपास या अपने ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले हर टाइप्स के इवेंट या हर प्रकार की सिचुएशन से कुछ ना कुछ तो आइडियाज जनरेट करेगा या कुछ ना कुछ तो सजेशंस क्रिएट करेगा जिसके बेसिस पे वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करेगा। एक ओपन माइंडेड एंटरप्रेनर जो होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज, भले वो किसी भी लेवल का एम्प्लॉय क्यों ना हो, हर लेवल के एम्प्लॉइज के साथ में डिस्कशन करता है, बातचीत करता है, उसके ओपिनियन को जानने की कोशिश करता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या अभिप्राय है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सजेस्ट करता है। ऐसे टाइप के सजेशन वो हर टाइप्स के एम्प्लॉय से हमेशा लेता रहता है जिसके बेसिस पे वो अपने एम्प्लॉय से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट भी हो जाए और उसको एक नए आइडियाज, एक नया इनोवेशन हमेशा मिलता रहे जिसको वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई भी करते रहे जिससे कि उसका बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस बने। तो एक एंटरप्रेनर में एक ओपन माइंडेड, एक खुले विचार वाली क्वालिटी होना जरूरी है कि वो हर सिचुएशंस में एक सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सर्च करे और उसको अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूट करे जिससे कि उसका बिजनेस सफल होने में उसकी हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी होती है सेल्फ स्टार्टर। नाउ सेल्फ स्टार्टर का मतलब होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई काम करना है या जब भी किसी काम की शुरुआत अगर करनी है तो उस काम की शुरुआत को करने में सबसे पहला स्टेप्स और सबसे पहला कदम और जो इनिशिएटिव होगा वो एंटरप्रेनर को खुद लेना होगा। अब एंटरप्रेनर उस काम को करने में इनिशिएटिव खुद से लेगा और खुद से लेकर के उस काम को करने का जो पैरामीटर होता है, उस काम को करने का जो वी कैन से प्लान होता है वो खुद ही सेट करता है और वो पूरी कोशिश करता है कि उसकी जो टीम है वो उसी पैरामीटर के रस्ते पे, उसी पैरामीटर के पाथ पर उसके साथ चले कि जिससे कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव कर सके। एक बात कॉमनली मैं आपके साथ बार बार डिस्कस कर रहा हूं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है, तो बच्चे लोग याद रखो ये बात बहुत ही कॉमनली है कि एंटरप्रेनर हर एक क्वालिटियों को इतना बेटर तरीके से यूज कर सकता है क्योंकि एंटरप्रेनर का एक ही लक्ष्य होता है कि जो भी उसने ऑब्जेक्टिव या जो भी उसने गोल अपने बिजनेस के लिए बना कर रखा है उस गोल्स को और उस ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर सके। इसलिए ये बात रिपीटेडली आपके सामने आ रही है क्योंकि कोई भी क्वालिटियां जो होती है वो एंटरप्रेनर के अंदर की होती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ओके, तो सेल्फ स्टार्टर में आपको क्या समझा कि ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी काम की शुरुआत जो होती है वो एंटरप्रेनर खुद से होती है। एंटरप्रेनर खुद पीछे रह करके लोगों को आगे अगर कर रहा है तो वो एक कॉन्फिडेंट एंटरप्रेनर नहीं है। तो ये क्वालिटियां एंटरप्रेनर में नहीं होना चाहिए। एंटरप्रेनर मस्ट बी अ सेल्फ स्टार्टर। अगर कोई भी काम शुरू करना है, उसका डिसीजन लेना है, उसके लिए इनिशिएटिव लेना है, तो एंटरप्रेनर जब आगे बढ़ेगा तो उसके पीछे उसकी टीम भी उसके साथ जाएगी और उस काम को सफल बनाने में उसकी मदद करेगी। ओके, नेक्स्ट होती है क्रिएटिविटी। नाउ क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि दैट क्रिएटिविटी एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जिस एबिलिटी के बेसिस पे एंटरप्रेनर अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कुछ ना कुछ तो नए तरीके, कुछ ना कुछ तो नए मेथड्स या नई टेक्निक या नया प्रोडक्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा लाते रहे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब तक एंटरप्रेनर के अंदर क्रिएटिव माइंड्स नहीं होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे नहीं लेकर जा सकता। अब जैसे कि जो जमाना है, जो बिजनेस का जो एनवायरमेंट है वो कॉम्पिटिटिव नेचर का है, तो इस कॉम्पिटिटिव नेचर के एनवायरमेंट में एक बिजनेस को सक्सेसफुल तब बनाया जा सकता है जब उसका एंटरप्रेनर क्रिएटिव माइंड होता है। तो एक एंटरप्रेनर में क्रिएटिविटी का होना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन लाना, कुछ नया मेथड्स, कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नए प्रोडक्ट या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करना, इन सभी चीजों की एक्टिविटी को निरंतर करते रहना एक एंटरप्रेनर के सक्सेस होने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो क्रिएटिविटी इज ऑल्सो अ वेरी बेसिक क्वालिटी विच ईच एंड एवरी एंटरप्रेनर
मस्ट हैव। नेक्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। नो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की जो क्वालिटी है वो एक एंटरप्रेनर को डेवलप होने में किस तरह से हेल्प करती है। तो एक एंटरप्रेनर में जब एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है, एक अच्छा संपर्क करने का कौशल्य होता है, तो अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे वो जो एंटरप्रेनर होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। उसके साथ ही साथ अपने ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको एक सही तरीके का ऑनर, रेस्पेक्ट, मान सम्मान देता है, जिस मान सम्मान को लेकर के उसके एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और भी डेडिकेटेडली काम करते हैं। तो ऐसी कम्युनिकेशन स्किल जो इसके एम्प्लॉय को मोटिवेट करे अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट एवरी एंटरप्रेनर मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल विद द हेल्प ऑफ विच ही कैन एबल टू कनेक्ट अवर सेल्फ विद द अदर्स हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ पैशन। नाउ इसके बिना तो कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेसमैन के फील्ड में कभी भी सफल नहीं बन सकता। स्टूडेंट्स, मेरी बात आप हमेशा एक याद रखना, इसी पॉइंट के जरिए मैं आपको एक मोटिवेशन दूंगा कि दैट आप भी अगर एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं या आप भी अगर कुछ एक नया करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट या आपको कौन से काम को करने में दिलचस्पी है या कौन से काम को करके आप खुद को एक जॉयफुल फील करोगे, एक आनंद फील करोगे, उस काम को आप सेलेक्ट करो पहले। तो वो कौन सा काम है जिस काम को करने के लिए अगर आपको पैसे नहीं भी दिए गए तो भी आप उस काम को करोगे, वो काम कौन सा है पहले आप उसको फाइंड आउट करो। तो देयर आर पैशंस। तो क्योंकि जब आपको वो काम आपको मिल जाएगा जिस काम को करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है या उस काम को करने के अगर पैसे नहीं भी मिले या पैसे कम भी मिले तो भी हम उस काम को करेंगे, उसी चीज को हम लोग कहते हैं पैशन। आज हमारे कंट्री में बड़े से बड़े लोग, जो भी लोग सक्सेस हुए हैं, सचिन तेंदुलकर से लेकर के अंबानी तक, इन सभी लोगों को अपने अपने काम में पैशन था। क्योंकि अगर पैशन नहीं होता, वो पर्सन अपने काम के प्रति अगर पैशनेट नहीं होता, अपने काम को अगर वो लव नहीं करता, अपने काम में वो एक्स्ट्रा हार्स अगर पुट नहीं करता, या अगर वो घड़ी को देख करके काम करता कि दैट मैं 8 घंटे काम करूंगा, 8 घंटे के बाद मैं 6 घंटे सोऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, तो जो व्यक्ति अपने काम के प्रति पैशनेट हो जाता है उसके लिए क्लॉक हार्स किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, उसे जब भी समय मिलेगा, उसे जब भी लगेगा अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसे जो करना होगा वो पूरा जोर उस काम करने को लगा देगा, उसे ही कहते हैं हम लोग पैशन। तो एक एंटरप्रेनर जो होता है वो पैशनेट होना चाहिए। अगर वो सच में सक्सेसफुल एंटरप्रेनर बनना चाहता है तो यू मस्ट बी पैशनेट अबाउट योर वर्क। क्योंकि आपका वर्क जिस दिन आपका पैशन बन जाएगा, आप अपने काम से जिस दिन लव करने लगोगे, आपको ऐसा लगेगा कि इस काम को करके जो मिलने वाला जायफुल है वो मनी से भी बहुत ज्यादा है, उस काम को करके हमें अगर पैसे मिलते हैं उस पैसों से भी ज्यादा संतुष्टि मुझे उस काम को करके मिलती है, तो मानकर चलिए कि वो एंटरप्रेनर को सक्सेसफुल मिलना 100% श्योर है। इसलिए एक एंटरप्रेनर को अपने काम के प्रति पैशनेट होना इंपॉर्टेंट होता है, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल करने में और इंपॉर्टेंटली उसके गोल को अचीव करने में उसकी हेल्प करता है। ओके, तो ये सारी कुछ क्वालिटीज मैंने आपके साथ डिस्कस की जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर में होनी चाहिए। कौन सी क्वालिटियां हैं, एक बार सारी क्वालिटीज के पॉइंट को रिपीट कर लेते हैं। सो क्वालिटी नंबर 1, डिसिप्लिन्ड। देन वी हैव टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस। आफ्टर दैट ओपन माइंडेड, जिससे हमारे बिजनेस के चारों बाजू क्या हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए और उस एनवायरमेंट में हमारा कहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, कहां पर सजेशन छुपे हुए हैं, कहां पर आइडियाज है, उन सभी को जनरेट करने वाला, उन सभी को कलेक्ट करना और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूट करने वाला पर्सन होना चाहिए। आफ्टर दैट सेल्फ स्टार्टअप होना चाहिए, कि किसी भी काम को करने का जो इनिशिएटिव वो एंटरप्रेनर खुद ने लेना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट क्रिएटिव माइंड्स होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आपके अंदर क्रिएटिविटी है तब तक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिशन में रख सकते हो, कॉम्पिटिशन में आगे ले जा सकते हो, लेकिन क्रिएटिविटी अगर एंड हो गई तो वहीं पर आपकी एंटरप्रेनरशिप भी खत्म हो जाती है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, कि आपके अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों के साथ एक कम्युनिकेट होने की अच्छी कुशलता होनी चाहिए। आफ्टर दैट यू मस्ट बी अ पैशनेट अबाउट योर वर्क, तो पैशन, तो ये सब क्वालिटियां एक एंटरप्रेनर को सक्सेसफुल एंटरप्रेनर बनाने में हेल्प करती है। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आप रिपीट कीजिए, जिसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को आप समझ भी सकते हैं, और अगर ये एग्जाम में आता है तो यू कैन एबल टू राइट दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। ओके एवरीवन, सो टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।